नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला। हमारे चैनल में आपका स्वागत करती हूं। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में झांसी की रानी बनी कंगना के भव्य लुक की हर जगह तारीफ हो रही है। इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला ने इंस्टाग्राम पर कंगना और बाकी स्टार्स के लुक की तैयारी से जुड़ी बातें शेयर की हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की मेकिंग वीडियो शेयर की है। आइए जानते हैं क्या खास है मणिकर्णिका में झांसी की रानी बनी कंगना के खास लुक का। मूवी में कंगना के लुक को भव्य बनाने के लिए जयपुर की जड़ाऊ ज्वेलरी समेत ट्रेडिशनल चीजों के जरिए कंगना को मणिकर्णिका यानी कि झांसी की रानी का लुक दिया गया है। फिल्म में कंगना की शादी के लिए एक विशेष तरह का मोतियों का हार बनाया गया था जिसका नाम मुंडा व्या है। ये आभूषण मराठियों की शादी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कंगना की ज्वेलरी का हर पीस दस्तकारी का बेहतरीन नमूना है। फिल्म में इस्तेमाल की गई ज्वेलरी जयपुर के कारीगरों ने बनाई है। मणिकर्णिका की शादी के पहले के लुक में कॉस्ट्यूम में ढेर सारे रंगों का यूज किया गया है। शादी के बाद का लुक और भी वाइब्रेंट है, इसलिए केसरिया और लाल रंग का यूज किया गया है। तीसरा लुक उनके मदरहुड पर फोकस है, इसलिए उसमें हल्के रंगों का यूज किया गया है। अंत में जो चौथा लुक है उसमें वो गहरे रंग की साड़ी में दिखाई देंगी। ये रानी का लुक है और समय 12 वरी साड़ी को अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। कंगना ने शादी के सीक्वेंस में सबसे हैवी कॉस्ट्यूम पहना है। ये 12 वरी साड़ी है, ये 12 गज की होती है, इसका वजन 10 किलो है। कॉस्ट्यूम के साथ ज्वेलरी भी है जिसमें मराठी और मध्य भारत के पारंपरिक पहनावे का मिश्रण नजर आएगा। इसका वजन भी 10 किलो है। इसके साथ ही उन्होंने 4 से 5 हेयर एसेसरीज भी लगाई हैं। इन सभी को मिलाकर पूरे कॉस्ट्यूम का वजन 20 किलो था। फिल्म में गंगाधर राव के देहांत के बाद रानी को विधवा के रूप में दिखाया जाएगा, जिसके लिए कंगना खादी की साड़ी में नजर आएंगी। फिल्म में कंगना को चरखा चलाते हुए भी दिखाया जाएगा। फिल्म के जरिए खादी ग्रामोद्योग खादी और चरखे दोनों को स्पॉन्सर कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।